अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स, उसके ड्रॉबैक्स, उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या क्या नखाइज थे, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसको लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। नंबर वन देखिए, बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ज़ीमन एक साइंसदान थे, ज़ीमन इफेक्ट उन्होंने दरियाफ्त किया था, यानी कि वो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्पेक्ट्रम पर होने वाला असर क्या कहलाता है, ज़ीमन इफेक्ट कहलाता है। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल ज़ीमन इफेक्ट को बयान करने में नाकाम रहा। तो ज़ीमन एक साइंसदान का नाम था। तो इसका पहला ये क्या है, इसका ड्रॉबैक था, पहला नुक्स था बोहर के एटॉमिक मॉडल का। नंबर टू देखिए, इट इज आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, यानी के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेक्ट्रम पर होने वाले असर को बताने में भी क्या उसको कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेक्ट्रम पर होने वाला असर क्या कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल स्टार्क इफेक्ट को बताने में भी नाकाम रहा। देखिए, पहले तो देखिए स्पेक्ट्रम अक्सर ही सुन रहे हैं, मैंने भी आपके दफ़ा पहले भी बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, जल्द शुदा इमिटेड और रेडिएटेड एनर्जी, यानी जल्द शुदा या खारिज शुदा लाइट या एनर्जी का सबूत फोटोग्राफिक प्लेट पर नजर आए उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आम तौर पर समझाने के लिए आप स्पेक्ट्रम की तारीफ कर सकते हैं, इसकी भी टाइप्स होती है, एमिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वे कलर है। तो पहले वाला क्या था, ज़ीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पर होने वाले स्पेक्ट्रम का असर, और स्टार्क इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेक्ट्रम पर क्या असर होगा उसको बताने में भी ये क्या नाकाम रहा। नंबर टू उसका ड्रॉबैक ये था। नंबर थ्री देखिए, इट डिवेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लाइट और पार्टिकल के मुताबिक ये डिस्कस करता है हाइजेनबर्ग की थ्योरी। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, इसको भी वाजे करने में नाकाम रहा। नंबर फोर देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम। हाइड्रोजन का एटम छोटा एटम है, यानी कि मोनोएटम भी समझ लें, छोटे एटम्स का तो या बयान कर दिया इसने, जबकि लार्जर एटम से जो स्पेक्ट्रम हासिल हुआ या मोलिक्यूल से जो स्पेक्ट्रम हासिल हुआ उसको ये बयान नहीं कर सका बोहर का एटॉमिक मॉडल, ये भी इसका एक नुक्स था। नंबर फाइव देखिए, इट एक्सप्लेन द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन लिथियम वगैरह के तो स्पेक्ट्रम को बैन कर दिया, मगर जो बड़े एटम थे उनसे हासिल होने वाले स्पेक्ट्रम की वजाहत नहीं कर सका था। तो ये हमारे पास थे बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ नकायज थे, कुछ खामियां थी।